नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे केकेआर के ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें ऑक्शन से पहले इनकी टीम मैनेजमेंट टीम से रिलीज कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर ऑल का जो ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि दोस्तों किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल जाए। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स IPL की सबसे सफल टीमों में से एक है। टीम ने गौतम गंभीर की कप्तानी में 2012 में पहली बार IPL खिताब जीता था। इसके बाद गंभीर के ही नेतृत्व में टीम ने साल 2014 में किंग्स इलेवन पंजाब को हराकर दूसरी बार IPL ट्रॉफी पर कब्जा किया था। लेकिन पिछले साल दिनेश कार्तिक की कप्तानी में टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। KKR ने 14 मैचों में 12 अंक के साथ अंक तालिका में पाँचवें स्थान पर रहे थे। KKR ने 2019 के सीजन में मात्र 6 मैच जीते थे, जिसमें से कई मैच तो आंद्रे रसेल ने अकेले अपने दम पर ही जिताए थे। दोस्तों, KKR के पास क्रिस लिन, आंद्रे रसेल, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, सुनील नारायण और कार्लोस ब्रैथवेट जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर ये एक साथ अच्छा खेल नहीं दिखा पाए। ऐसे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके तीन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें इनकी टीम अगले सीजन से पहले यानी नीलामी से पहले रिलीज़ कर सकती है। दोस्तों, पहला नाम है रॉबिन उथप्पा का। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा IPL के पिछले सीजन में फॉर्म में नहीं दिखे। दिनेश कार्तिक की रहते हुए उनको सिर्फ बल्लेबाजी के तौर पर टीम में जगह मिली थी। उन्होंने IPL 2019 में 12 मैच खेले, लेकिन इस दौरान ज़्यादातर मैचों में वो नाकाम रहे। IPL के स्पेशलिस्ट माने जाने वाले 33 साल के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने पिछले साल 12 मैचों में सिर्फ 282 रन बनाए थे। खासकर उनके 115.10 के स्ट्राइक रेट ने कई मौक़ों पर KKR के रन बनाने की रफ्तार को काफ़ी धीमा कर दिया था। ऐसे में KKR को काफ़ी मैचेस भी हारने पड़े, इसलिए दोस्तों KKR उन्हें रिलीज़ करके मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा नाम है रिंकू सिंह का। दोस्तों, KKR ने IPL 2018 की नीलामी के दौरान 21 साल के भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह के शानदार घरेलू रिकॉर्ड को देखते हुए 80 लाख में खरीदा था, जो उनके बेस प्राइस से 4 गुना ज़्यादा कीमत थी। रिंकू ने अब तक KKR के लिए 2 सीजन खेले हैं, लेकिन अभी तक वह खुद को साबित करने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने IPL 2018 में 4 मैचों में मात्र 29 रन बनाए, जिसमें उनका हाई स्कोर था 16 रनों का। और दोस्तों, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 94 का काफ़ी ख़राब था। लेकिन दोस्तों, इस प्रदर्शन के बावजूद भी KKR ने उन्हें IPL 2019 के लिए टीम में बनाए रखा, लेकिन इस बार भी वह 5 मैचों में मात्र 37 रन ही बना सके। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि कोलकाता उनको नीलामी से पहले रिलीज कर सकती है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नाम है कार्लोस ब्रैथवेट का। दोस्तों, कार्लोस ब्रैथवेट को IPL 2019 में KKR ने भारी कीमत देकर अपनी टीम में लाया था। उन्हें रसेल के बैकअप के तौर पर रखा गया था। ब्रैथवेट को इस सीजन में मौके कम मिले, लेकिन जो भी मौका उन्हें मिला वो अपने आप को साबित करने में नाकाम रहे। ना तो बल्लेबाजी में उनके बल्ले से रन निकले और ना ही गेंदबाजी में वो कुछ खास कमाल कर पाए। ऐसे में दोस्तों KKR की टीम IPL ऑक्शन 2020 से पहले ब्रैथवेट को रिलीज कर देना चाहेगी ताकि उनके पास जो भी पैसे बचे उससे कुछ और अच्छे खिलाड़ियों को खरीद सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिसाब से KKR के तीन ऐसे खिलाड़ी जिनका ऑक्शन से पहले रिलीज होना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।